डोली उठने में था महज 6 महीने का वक्त, लेकिन उससे पहले ही हो गई वैभवी उपाध्याय की मौत। जवान बेटी के दुल्हन बनने की माँ की अधूरी रह गई चाहत, तो अर्थी को कंधा देते वक्त पिता और भाई नहीं छिपा पाए अपने जज्बात। जो मंजर आप इस समय देख रहे हैं वो यकीनन आपकी रूह को कपा देने के लिए काफी है। आखिर जिस पिता ने बेटी की नन्ही उंगलियां पकड़कर उसे चलना सिखाया हो, वो ही जब उसकी अर्थी को कंधा दे तो कैसे उसका दिल टूट कर बाहर ना आ जाए। वो माँ जिसने बेटी के दुल्हन बनने के कई सपने देखे थे, अब उसे लाल जोड़े में तैयार कर आखिरी विदाई दे रही है। वैभवी उपाध्याय के परिवार का बुरा हाल है। बूढ़ी माँ बिलख बिलख कर रो रही है, तो पिता बेटी के शव को देख बार बार कष्ट खा कर गिर रहे हैं। आखिर महज 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नाजों से पली बेटी को हमेशा के लिए खो जो दिया है। वही बेटी जिसे वो अगले 6 महीनों में विदा करने की तैयारी कर रहे थे, उसने अब उनका साथ छोड़कर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली हैं। बीते दिन बुधवार को ही टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय के निधन की खबर ने सभी को सन कर दिया, क्योंकि वैभवी निकली तो एक अच्छे सफर पर थी, लेकिन यही सफर उनकी जिंदगी का अंतिम सफर साबित हुआ। दरअसल वैभवी उपाध्याय अपने मंगेतर जय सुरेश गांधी संकार में ट्रेवल कर रही थी। वो तीर्थन घाटी में घूमने के लिए निकली थी, लेकिन एक मोड़ पर उनकी खड़ी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी और एक्ट्रेस की महंगी फॉर्च्यूनर गाड़ी करीब 50 फुट नीचे खाई में जा गिरी। मौके पर ही वैभवी ने दम तोड़ दिया। ये हादसा सोमवार यानी 22 मई को हुआ था। वैभवी के निधन ने न सिर्फ उनके परिवार और चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि एक्ट्रेस की मौत से उनके मंगेतर भी गहरे सदमे में चले गए हैं। आखिर जिस लड़की को वो अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे, वही अब इस दुनिया से चल जो बसी है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस वैभवी इसी साल अपने मंगेतर संग शादी के बंधन में बंधने वाली थी। वैभवी के एक दोस्त के मुताबिक 14 फरवरी 2023 यानी कि वैलेंटाइन्स डे को वैभवी और बिजनेसमैन जय की सगाई हुई थी। ये कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, बस दोनों परिवारों की मौजूदगी के बीच हुआ था, जिसमें गुजराती रीति रिवाजों के अनुसार गोलधना सेरेमनी हुई थी। सगाई के बाद वैभवी ने इसी साल के आखिर यानी कि दिसंबर के महीने में जय संग साथ फेरे लेने की प्लानिंग की थी, लेकिन ये सारे सपने धरे के धरे रह गए। मंगेतर संग शादी करने से पहले ही वैभवी की जीवन लीला समाप्त हो गई। वैभवी के मंगेतर उनका साथ 7 जन्मों तक तो नहीं निभा पाए, लेकिन उनके अंतिम पलों में जरूर वो एक्ट्रेस के साथ थे। ना सिर्फ जय बल्कि इस वक्त वैभवी के परिवार वालों के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैभवी के भाई अंकित और उनके माता पिता उनकी मौत की खबर से गहरे सदमे में हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी पर थे और इस खबर को सुनने के बाद ही देश लौटे हैं। बता दें कि वैभवी के माता पिता बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें बुरी तरह तोड़कर रख दिया है। बेटी को दुल्हन बनते वो असल जिंदगी में तो नहीं देख सके, ऐसे में अपने सरमान को वैभवी के माता पिता ने उनके पार्थिव शरीर को लाल जोड़े में तैयार कर पूरा किया। वैभवी को आखिरी विदाई दुल्हन के जोड़े में ही दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट E24।